हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड दिस यूज एंड फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है मेकोनियम। अब ये मेकोनियम क्या होता है इसको जानते हैं। मेकोनियम जब बेबी फर्स्ट टाइम अपना स्टूल या पोटी या लैट्रिन पास करता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेकोनियम बोलते हैं। तो इस लैट्रिन को क्या बोल देते हैं हम, मेकोनियम बोल देते हैं। इसका कलर क्या था होता है, ग्रीन कलर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये ग्रीन कलर का क्या है, मेकोनियम, इसका स्टूल है, ये मेकोनियम है, ये मेकोनियम है। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो बेबी होता है वो फ्लूड में तैरता रहता है, जिस उस फ्लूड का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूड। अब ये सारे का सारा यूट्रस के अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूड है, इसमें ये तैरता रहता है बच्चा। अब जैसे ही देखिए मेकोनियम यहाँ पर ये पास किया मेकोनियम, तो एमनियोटिक फ्लूड और मेकोनियम यहाँ पर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसके बाद अब ये जो है सांस लेता है जैसे ही बच्चा, तो एस्पिरेशन के दौरान ये ट्रेकिया से होता हुआ कहाँ पर चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। तो इस दौरान जो है बच्चे की मौत भी हो सकती है। ओके, तो देखिए डिलीवरी के पहले या डिलीवरी के दौरान जो बच्चा मेकोनियम प्लस एमनियोटिक फ्लूड के दोनों मिक्सचर को एस्पिरेट कर लेता है, मतलब कि इस पानी को अंदर ले लेता है ट्रेकिया के थ्रू। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ कॉसेस के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है मेकोनियम यूट्रस में ही रिलीज कर देता है। पहला है मेरे पास कॉम्प्लिकेशन इन लेबर। अगर लेबर में कॉम्प्लिकेशन है तो बच्चा जो है यूट्रस के अंदर ही अपना मेकोनियम रिलीज कर देता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि मसल कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस है मेरे पास, जो बच्चेदानी है, उसमें जो है अच्छे से उसका मसल्स कंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरा है जो यह यूट्रस का जो द्वार होता है, जो ये इसका जो गेट होता है, जो ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स अगर अच्छे से नहीं ओपन हो पा रहा है, मतलब ये डायलेट नहीं हो पा रहा है, तब जो है लेबर में कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा है मेरे पास बर्थ कैनाल में बच्चा स्मूथली अगर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, तब भी ये है इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, लेबर कॉम्प्लिकेशन का, जिसके कारण देखिए बच्चा यहाँ पर क्या कर देता है, मेकोनियम रिलीज कर देता है। तो ये तीन कारण हुए, पहला मसल कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, दूसरा सर्विक्स डस नॉट डायलेट इनफ, ओके, थर्ड वन है मेरे पास बर्थ कैनाल में बच्चा स्मूथली नहीं जा रहा है। तो ये कारण हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास टाइम टेकन मोर देन एक्सपेक्टेड डिलीवरी। अगर देखिए एक्सपेक्टेड डिलीवरी, अगर किसी मंथ की जो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी 15 है, तो अगर इससे ये डिले हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 20 हो गया जैसे, या 25 हो गया, या 30 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हुआ मेरे पास, टाइम डिले हो गया, डिलीवरी एक्सपेक्टेड जो डेट थी वो 15 थी, उससे भी ये 15 दिन या 10 दिन और ज़्यादा ले जा रहा है, तो इस वजह से भी ये मेकोनियम रिलीज हो सकता है, तो ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है, मतलब टाइम टेकन मोर देन 20 आवर्स फॉर डिलीवरी। अगर डिलीवरी में जो है टाइम जो है 20 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, 18, 19, 20 या 21, 22 घंटा लग रहा है, तो इस वजह से भी यहाँ पर मेकोनियम रिलीज कर सकता है चाइल्ड। ओके, जैसे जनरली अगर हम बात करें तो जनरली जो है 8 से 12 घंटे का टाइम एक्सपेक्टेड ये डिलीवरी में लग सकता है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास हाई बीपी ऑफ प्रेग्नेंट वूमेन। अगर प्रेग्नेंट वूमेन का जो है बीपी बहुत हाई जा रहा है, तो ये भी चांस होता है उसमें मेकोनियम रिलीज करने का। ओके, थैंक यू।